तेरे नाम की जोत ने सारा लिया था मस मेरा। समझ जब आ रहा है गुरु, ये देखो भोलेनाथ ने मैंने सुनी ली, क्योंकि बेटा तुझे हेलीकॉप्टर चाहिए ना, मंगवा ही दिया, जब आ रहा है किसने हेलीकॉप्टर। अभी जब चलेगा ना जब दिखाएंगे। ये देखिए गाइस उड़ गया। देखिए चलिए गाइस अब यहाँ से जोड़ते हैं लास्ट भोलेनाथ जी के हाथ और अब चलते हैं अपनी जर्नी घर तक की, करते हैं सक्सेसफुल, बहुत अच्छी बढ़िया। ये देखिए आवाज़ आ रही मुझे पीछे से, एक और आ गया यार। रास्ते में अगर इन्हें दिखाने में रहने गया ना तो मैं तो कांग्या यहीं खड़ा रहूँगा पूरे दिन, घर कैसे जाऊँगा फिर मैं। ये देखो इसकी भी दिखाई देते हैं भैया। चलो भैया भोलेनाथ जी के हाथ जोड़ते हैं। कहाँ भोलेनाथ जी? ये रहे हमारे भोलेनाथ जी, मिलते हैं हम जब भोलेनाथ जी हमें बुलाएंगे। ये हमारे टेंट जिसमें हम रात रुके थे और अभी हम यहाँ से वापस जा रहे हैं इस रूट पकड़ के, तो अभी चलते हैं यहाँ से। वैसे देखो हम कितनी नीचे से आए थे यार, कितनी चढ़ाई अब दिख रही है, पर यार ऐसा लग नहीं रहा कि हम इतनी ऊँचाई पर आ गए हैं, पर बहुत ऊँचाई पर हम आ गए हैं और फ़ोन तो इतना नहीं कैप्चर कर पा रहा होगा शायद जहाँ तक है, तो इस वजह से ही हम बता रहे हैं आपको, काफ़ी बहुत चढ़ाई है यार। ये देखिए गाइस मम्मी और पापा जी जा रहे हैं घोड़े पे, मैं पापा और बुआ जा रहे हैं पैदल, और ये देखिए मम्मी अब बैठेगी, बता दो चढ़ जाओ चढ़ जाओ। डर रही है पकड़ लो से, इसकी रस्सी वस्सी बहुत पकड़ के खींचने लग जाना, ये वाली पप्पा जी तो बैठ गए। मम्मी डर रही है यार। अभी देख ले कैसे करेगी, अभी देख बैठाई था हमने। हाँ मैं जा रही कुछ नहीं होनेगा, थोड़ी दूर तक तो चलो, कुछ नहीं होना का बैलेंस। ये देखो
हमारी मम्मी तो उतर गई घोड़े पे से, मम्मी को लग रहा था डर कभी बैठी नहीं ना, और देखो यार उतराई भी है, तो देखो अब हमें वहाँ जाना है, उतराई है वो तो घोड़ा तो हिलता है इधर उधर, बैलेंस बन नहीं रहा था मम्मी का, तो मम्मी उतर गई है। तो अब हम चल रहे हैं, फूफा जी आ रहे हैं पीछे पीछे, अभी वहीं खड़े हैं और हम चल रहे हैं, पापा बुआ मैं मम्मी, हम जाएंगे पैदल भाई। ये देखो फूफा जी जा रहे हैं घोड़े पे, और फूफा जी इतने नीचे जाके ना वो ले लेंगे रूम वगैरह, ये जा रहे हैं। यार ये देख रहे हो झरना कितनी नीचे तक आ रहा है, मज़ा यार अभी ना बहुत नीचे जाना है, और पता है जूते गीले हो गए बिल्कुल, जैकेट हाथ तो बाजू पे से गीली हो गई, ये देखिए बाजू पे से गीली होगी, इन रुपये रखा मैंने, ये भी बाजू पूरी गीली है, और रास्ता देख लो आप कैसा हो रहा है, कीचड़ गोबर पानी, ऐसी रास्ता देख लो। चलो कोई नहीं भाई, उतरना तो है ये, धीरे 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 उतर जाएंगे, उतरने में इतनी वो नहीं प्रॉब्लम होती, इतनी चढ़ाई में प्रॉब्लम होती है ना, इतनी उतरने में नहीं होती, उतरते वक्त सांस वगैरह नहीं चढ़ती। यार जैसे कि मैंने आपको कल दिखाया था कि ये वाटरफॉल आ रहा है ऊपर से, बहुत सुंदर लग रहा है यार, एकदम साफ पानी है बिल्कुल, ये देखिए सुंदर। यार ये छोटे छोटे वाटरफॉल ना आपको इस रास्ते पे कई जगह मिल जाते हैं, जैसे मैंने आपको कल भी दिखाया था ये वाटर क्रॉसिंग कई जगह मिल जाते हैं ऐसे साइड पे। देखिए गाइस काफ़ी नीचे उतर के आ गए हम, और बहुत बढ़िया रहा, चलते हैं मम्मी पापा दो तो ऊपर ही हैं, ऊपर जितने जैसे आपको पता है कि वो घोड़े पे गए हैं, और हम आ जाके चल रहे हैं। पैर मैंने यार छाले हो गए, सॉक्स ने पहन रखी, और ठंड भी अब कम नहीं लग रही क्योंकि ऊपर रहे ना गर्मी लग रही है। चलो आगे जाके जहाँ बारिश होती है ना वहाँ जाके उतारेंगे और रेनकोट में। भाई ये देखिए वो है बेस कैंप जो मैंने अभी दिखाया था आपको सुबह कि हमें नीचे जाना है, तो वहाँ से दिखा रहा था मैं आपको, वहाँ से हम यहाँ आगे देख लो। तो खा रहे हम पराठा, ये तो नहीं पता काय का, पर खाने के बाद पता लगेगा काय का है, और चाय होगी खत्म। गाइस ये है आलू का पराठा, खा रहे हैं पापा मम्मी उधर बैठे हैं और हम खा रहे हैं इधर बैठ कर। यार उतरने में और जोर पड़ रहा पैरों पे, पैर में छाला ही पड़ गया। ये देखिए व्यूज, देख रहे भाइयों कल मैंने आपको दिखाया था इतनी तेज भाव नहीं था जितनी तेज आज है। अभी हमें वहाँ जाना है भीमबली, चलते हैं, बहुत तेज भाव है आज तो, बर्फ भी पड़ी है ना रात, तो बिल्कुल चिल्ड पानी होगा। आज भीमबली पहुँच गए हम, और आज पानी का भाव देखिए आप कितना तेज है, देख रहे हो मजा। तो गाइस देखिए जैसे कल मैंने आपको दिखाया था हम वहाँ से आए हैं, अभी वहाँ से भी जा रहे हैं पब्लिक, यहाँ से आए हैं अभी हम ऐसे, देखिए क्या रूप ले रखा है नदी ने अपना, बहुत खतरनाक रूप है। कल भाई साहब इतनी तेज भाव नहीं था जितनी तेज आज है। यार आज नीचे उतर आए ना, कल तो चढ़ाई थी, आज नीचे उतर आए तो आज पता लग रहा है कि कितना चढ़े थे कल हम। ये देखिए गाइस जैसे कि मैंने उस पुल पे दिखाया था आपको पानी की लहरें कितनी तेज आ रही हैं, वो देखिए नीचे देखिए। तू सदैव ही जिया मांगा कुछ कभी नहीं, तूने सिर्फ है दिया समुद्र मंथन का था समय जो पड़ा, देखिए यहाँ कितनी भीड़ लग रही है, और ऊपर से देखो वाटरफॉल कितनी ऊपर से गिर रहा है, कितना सुंदर लग रहा है ना यार, बड़ा अमेजिंग। ये देखिए नीचे
ऊपर सारा नीचे गिर रहा है। ये मैंने शायद आपको कल भी दिखाया था यार, कई चीज़ें याद नहीं रहती ना। और देखो एक चीज़ और दिखाता हूँ, खून निकल रहा पैर में से, ये देखो लाल लाल है ना, ये खून निकल रहा पैर में से, शायद छाला था वो टूट गया तो इसमें से खून निकल रहा है और 5-6 छाले हो गए हैं पैर में। यार इस चीज़ को एंजॉय लीजिए, यार खून वून तो निकलता रहता है, इसमें क्या बड़ी बात है, खून ही तो है, अपने तो खून है, मर्द के तो खून है, तो बस क्या टेंशन लेनी फिर। गाइस देखिए केदारनाथ से हम 10.5 किलोमीटर नीचे आ गए हैं, तो अभी चलते हैं व्यूज के साथ मजे लेते हैं। जब वे जा रहे हैं अपना, मम्मी पापा बुआ पीछे हैं, पापा जी तो शायद पहुँच ही गए होंगे अभी तक, और चलो अभी चलते हैं। कैसा वाटरफॉल गिर रहा है नीचे की तरफ, ये देखिए। यहाँ से अब 2-3 किलोमीटर रह गया है गौरीकुंड, पैर में यार बहुत दर्द हो रहा है, समझ नहीं आ रहा यार क्या करूं, खून निकल रहा है, ज़्यादा तो नहीं पर हाँ निकल रहा था, अब तो नहीं निकल रहा, पर चलो चलते हैं बाकी की तरफ। ज़रा तो परेशान हो लिया मैं, गौरीकुंड नहीं आगे ज़रा बताओ, पता नहीं अभी पीछे बोर्ड पर लिखा 2 किलोमीटर, अब तो बताना है नहीं भाई। देखो भाई कितनी लंबी लाइन लग रही है टैक्सी के लिए, पहुँचे हैं, बड़ी शिद्दत के बाद टैक्सी मिलेगी यार, बहुत देर में मिलेगी यार। अब मिली है टैक्सी, अब बैठे हैं और अब चलेंगे। ये देखो भाई यहाँ से निकला था खून, जूते हमने उतार दिए, नंगे पैर ही हैं, और ये देखो एक छाला, और जब ये देखो दूसरा छाला, तीसरा, और जब रूम में जाएंगे ना तब दिखाऊंगा आपको जब नहाएंगे धोएंगे। अभी हम उतर के आ गए हैं केदारनाथ, हम जिसे टेम्पल से मतलब केदारनाथ मंदिर से नीचे आ गए हैं हम अभी, और ये हम रिवर के पास बैठे हैं, मम्मी पापा वगैरह वो सब बैठे, और टैक्सी से उतर के अभी आए हैं हम। गाइस ये है सोन फिराक की मार्केट, सोन फिराक की मार्केट में हम आ गए हैं, और अभी चलते हैं यार आगे, और वहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी, गाड़ी के सामने ही हम ऊपर जी पहुँच गए थे पहले, उन्होंने होटल लिया है। यार अपना पैदल चलना पड़ रहा है बिना जूतों के, बिना जूतों के थोड़ा सा रिलैक्स है, बाकी जूते पहन कर तो और ही छिल रहा है भाई, जूते पहन कर रिलैक्स नहीं आ रहा बिल्कुल, नंगे पैर फिर भी रिलैक्स है। फाइनली गाइस सीतापुर पार्किंग हम पहुंच गए हैं, और पता नहीं फूफा जी ने अभी होटल कहाँ लिया है, अभी पापा मम्मी आ रहे हैं पीछे, और अभी भी हम नंगे पैर ही चल रहे हैं रोड पर, और चल रहे हैं बस पहुंच ही गए सीतापुर, 50 मीटर रह गए यहाँ से, ज़्यादा दूर नहीं है भाई, बुरी हालत होगी यार सच्ची, बस क्या बताऊँ, पता है दिक्कत कहीं नहीं, आराम से उतर जाता मैं, दिक्कत मेरे छाले में होगी, छाला हुआ सुबह रास्ते में फूट गया, खून निकलने लग गया, बुरी हालत हो गई, फिर एक नहीं कम से कम 5-6 छाले हुए जब जाके फिर जूत उतारे मैंने। चलो मैं आपको व्यूज दिखा, ये आज सीतापुर, सीतापुर रुकेंगे आज, कल जाएंगे, कल सुबह मिलते हैं आपको, अभी पहले होटल में चलते हैं फिर मिलेंगे आपको। तो फाइनली गाइस आ गए हम रूम में, और कुछ इस प्रकार हमारा रूम है, तो चलो मिलते हैं यार नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, टेक केयर, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक खुद ही कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, हालत बहुत ख़राब हो रही है यार, बाय टेक केयर।